तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज सादस एंड वाचिंग टेक्नो हदस। सो गाइस, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं WWE के नेक्स्ट बड़े इवेंट WWE सुपर शोडाउन के बारे में, जिसमें हम बात करने वाले हैं शॉन माइकल के बारे में कि क्या उनका रोल होने वाला है सुपर शोडाउन में। और इस वीडियो में आपको कई बड़ी छोटी बातें जानने को मिलने वाली है सुपर शोडाउन के बारे में। तो चलिए फ्रेंड, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि ये न्यूज़ ऑफिशियली अनाउंस हो चुकी है कि WWE अपना नेक्स्ट बड़ा इवेंट प्लान कर रही है, जो हमें देखने को मिलने वाला अक्टूबर 6, 2018 में WWE सुपर शोडाउन जो होने वाला है ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न क्रिकेट गार्डन में। तो गाइस, ये इवेंट काफ़ी ज़्यादा बड़े स्केल पे होने वाला है और हम जानते हैं कि WWE अपना नेटवर्क पूरे वर्ल्ड में फैलाना चाहती है। और हम जैसा देखते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा लाइव इवेंट भी करते रहते हैं हर कंट्री में जाकर। गाइज, जैसे कि हमें एक बड़ा इवेंट देखने को मिला था सऊदी अरेबिया में, जो हुआ था ग्रेटेस्ट रॉयल रंबल। तो ये इवेंट भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा हुआ था और हमें इस मैच में काफ़ी अच्छे अच्छे मैचेस देखने को मिले थे, जहां हमें इस इवेंट में देखने को मिला था एक मेन इवेंट 50 मैन ग्रेटेस्ट रॉयल रंबल मैच। तो कैसे हम अगर मैं बात करूँ सुपर शोडाउन के बारे में कि कौन कौन से मैचेस देखने को मिलने वाले हैं हमें इस इवेंट में, तो गाइस इस इवेंट के लिए बस अभी एक ही मैच कंफर्म हुआ है, जो हुआ है द डेड मैन अंडरटेकर वर्सेस द गेम ट्रिपल एच के बीच। तो हमें लास्ट टाइम इन दोनों सुपरस्टार के बीच मैच देखने को मिलेगा, जहां मैं यहां पिक करता हूं अंडरटेकर को एज अ विनर। और हमें इस इवेंट में काफी सारे अच्छे मैचेस देखने को मिलेंगे, जैसे हमें इस इवेंट में देखने को मिलेगा रोमन रेंस, फिन बैलर, बॉबी रूड, ब्रॉन स्ट्रोमन जैसे सुपरस्टार, और हमें यहाँ पे जॉन सीना भी देखने को मिलने वाले हैं। तो गाइस, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे शॉन माइकल्स के बारे में, तो अभी उनका यहाँ कुछ कंफर्म नहीं है कि क्या हमें उनका एक मैच देखने को मिलेगा या उनका कुछ अलग स्टोरी लाइन होने वाला है इस इवेंट के लिए। अगर हम यहाँ PW इंसाइडर की एक न्यूज की माने, तो हमें यहाँ शॉन माइकल का एक रोल दिखने वाला है गेस्ट रेफरी के रूप में। या फ्रेंड, यहाँ पे शॉन माइकल का इस इवेंट पे स्टोरी लाइन होने वाला है गेस्ट रेफरी के रूप में, बट ये कोई कंफर्म नहीं कि वो किस मैच में गेस्ट रेफरी होने वाले हैं शॉन माइकल। बट पॉसिबिलिटी तो यही लग रही है कि जैसा हमने रेसलमेनिया 28 में देखा था, वो गेस्ट रेफरी बने थे अंडरटेकर वर्सेस ट्रिपल एच के मैच में। तो इस इवेंट में जो मैच होने वाला अंडरटेकर वर्सेस ट्रिपल एच में, तो यहाँ पर शॉन माइकल फिर से बन सकते हैं गेस्ट रेफरी। तो गाइस, यही एक न्यूज आ रही है शॉन माइकल के बारे में कि क्या उनका रोल होने वाला है इस WWE के सुपर शोडाउन में। तो फ्रेंड, मैं साथ ही बताऊँ, जैसे हमें ग्रेटेस्ट रॉयल मैच में एक भी वुमेंस मैच देखने को नहीं मिला था, तो क्योंकि वहाँ के रूल्स इस मैच को अलाउ नहीं करते थे। बट ऑस्ट्रेलिया में कुछ ऐसा रूल है नहीं, तो हमें वुमेंस का भी मैच देखने को मिलने वाला है सुपर शोडाउन में। और इस इवेंट के लिए कंफर्म हो चुकी है साशा बैंक्स, बेली, कार्मेला, आस्का, शार्लेट फ्लेयर जैसे और भी कई सुपरस्टार। तो हमें यहाँ काफी ज्यादा अच्छा मैचेस देखने को मिलने वाले इस इवेंट में। तो गाइस, एट लास्ट WWE का नेक्स्ट जो इवेंट होने वाला है ऑस्ट्रेलिया में सुपर शोडाउन काफी ज्यादा इंप्रेसिव होने वाला है। तो हमें ये इवेंट भी काफी ज्यादा अच्छा लगने वाला है ग्रेटेस्ट रॉयल रंबल जैसा। गाइस, आज की वीडियो बस यही तक थी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि मैं इसी टाइप का कोई भी लेटेस्ट अपडेट डालूं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। तो गाइस, मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।